बैग बट देन वट शुड बी इज रोल अब दो स्पिनर तो खिलाएंगे बट शुड इट बी चाहन कुलदीप और चाह जा और कुलदीप जाडेजा लास्ट बट नॉट द लीस्ट फास्ट बोलर्स तीन या दो हार्दिक प्लेज और नॉट हैशैग रूटर आकाशवाणी और अब वनडे मुकाबले शुरू होने वाले हैं तो इसके अंदर कुछ बर्निंग क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह धोनी ऑफकोर्स इज बैक बट देन अब कप्तान कोहली उनका किस तरह से इस्तेमाल करें क्या उनको नंबर पाँच के रूप में खिलाना चाहिए क्या चार के रूप में कंसीडर करना चाहिए या फिर अभी भी फिनिशर का काम उनसे करवाना चाहिए क्योंकि माइंड यू वन डे क्रिकेट में ऋषभ पंत का नाम है नहीं केदार जाधव एंड हार्दिक पंड्या और यूर पॉसिबल टू फिनिशर्स तो मेरा विचार तो यह है कि देखिए धोनी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर टिल द ट्वेंटी वर्ल्ड कप तो उन्होंने तो खेलना है ही लेकिन शायद कुछ अलग अंदाज़ में खेलना ज़रूरी बल्लेबाजी में उनको थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करवाना पड़ेगा और उनको कुछ अलग अंदाज में खेलना पड़ेगा थिंग्स दैट यू कैन डू ए ट्वेंटी फाइव परहैप्स कान डू अ थर्टी फाइव तो फिर ये टीम को भी समझना पड़ेगा दैट धोनी नीड्स अ बिट मोर टाइम दे शुड गिव हिम दैट मच रिशभ पंत सेलेक्टर्स ने कहा है कि इनका अभी भी नाम बिल्कुल साफ नहीं है दे आर गोइंग टू कंसिडर हिम फॉर द वर्ल्ड कप एंड सॉ इट शुड बी क्योंकि जिस तरह से ऋषभ खेल रहे हैं ही शुड बी प्लेइंग इन ऑल थ्री फॉर्मैट्स एम नॉट सेइंग इन प्लेस ऑफ धोनी बट देन अलॉन्ग साइड धोनी आई थिंक देर इज डेफिनेट स्पेस फॉर प्लेस फॉर ऋषभ पंत नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कि भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तीन तीन आपके पास स्पिनर्स के रूप में विकल्प हैं कौन से दो स्पिनर्स के साथ भारत को उतरना चाहिए रविंद्र जाडेजा ब्रिंग्स आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एंड बैटिंग और टू द टेबल बाकी जो दोनों हैं वो सिर्फ बतौर आपको गेंदबाज मिलेंगे बट देन बोथ दीज गाइज आर स्पिनर्स चाहल एंड कुलदीप एंड दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग विकेट्स इन द मिड ओवर्स तो मेरी तो सोच ये रहेगी कि आप जाडेजा को छोड़ दीजिए कुलदीप और चाहल के साथ खेलिए चाहाल के साथ थोड़ा सा न्याय हो रहा है पिछले कुछ समय से कि उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा तो मेरे विचार में ही एब्सोल्युटली वॉक्सिन एंड सो सोडर् कुलदीप यादव तो ये मेरे दो स्पिनर्स होंगे पर देन इफ यू टू क्विकली मूव टू द थर्ड बर्निंग क्वेश्चन कि हार्दिक पंड्या को खिलाया जाए तीसरे सीमर के रूप में या फिर शामी खलील और भुवनेश्वर कुमार के साथ भारत उतरे सिराज इज ऑल्सो एन ऑप्शन ना आई थिंक दो फास्ट बोलर्स मे बी खलील एंड ना भुवनेश्वर कुमार टू स्टार्ट विद क्योंकि शामी बहुत क्रिकेट खेले हैं तो उनको थोड़ा सा विश्राम की ज़रूरत है चार टेस्ट मैच लगातार बहुत बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है लेकिन आई थिंक ही डिजर्व अ ब्रेक सो शुरू में उनको मत खिलाइए आप खलील के ऊपर और थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं अफकोर्स ही इज़ योर लेफ्ट आर्म एक्सपैक्ट भुवनेश्वर कुमार हैज़ ए ब्लेट मतलब इतने समय से खेले नहीं है तो फिर मेरे विचार में उनको आप खिलाइए हार्दिक पंड्या कुड भी योर थर्ड सीमर केदार जादव विल ऑल्सो गिव यू सम माउंट ऑफ बोलिंग सो दैट कुड पर बी द बोलिंग लाइन अप फॉर टीम इंडिया इन द फर्स्ट वन डे गेम बट देन आपको क्या लगता है आपकी क्या ओपिनियन है तो जाइए रूटर ऐप पर फर्स्टली डाउनलोडिट एंड सेकंडली जस्ट वॉइस यूर ओपिनियन सो नाई एल एक्चुअली भी टेकिंग योर क्वेश्चन ऑल्सो तो वो तो आपको करना ही है एंड सेकेंड ये है क्या रूटर ऐप रूटर इज़ अ लाइव स्पोर्ट्स ऐप यू कैन प्ले फैंटेसी क्रिकेट द रियल टाइम लाइव फैंटेसी क्रिकेट मैं भी खेलूंगा आप भी खेलना एंड यू कैन एक्चुअली विन कैश प्राइज लाइक सीरियस कैश यू कैन विन सो यू कैन डू दैट पावर अप कीजिए सब्सिट्यूट कीजिए गेट अप ऑन द लीडर बोर्ड ऑल ऑफ दैट इज़ पॉसिबल तो फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया ये तीन ओ की जो श्रृंखला है इसके अंदर जस्ट बी देर आई एल ऑल्सो गिव यू कंपनी